राजधानी रायपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आमानाका इलाके की रहवासी एक नाबालिग बच्ची को उसका कथित चाचा ही बढ़ा फुसला कर भगा ले गया था। उसके साथ रेप हुआ। डर और शर्म के मारे वह घर नहीं लौट रही थी। घर वालों ने उसे मंगलवार रात दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के पास बदहवास हालत में पाया गया। मामला सरस्वती नगर थाने पहुंचा है। सरस्वती नगर थाने पहुंचे लड़की के एक पड़ोसी ने बताया, घटना रविवार की है। बच्ची नाबालिग है और 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पड़ोस में ही रहने वाला युवक उसे कहीं ले गया था। वह बक्सा वगैरह बनाने का काम करता है। लड़की उसे चाचा कहती है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई थी लेकिन पुलिस ने लड़की को खोजने की कोई कोशिश नहीं की। लड़की के घर वाले खोजते रहे। मंगलवार देर शाम किसी ने लड़की के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के पास होने की जानकारी दी। घर वाले वहां पहुंचे तो वह बदहवास हालत में मिली। वह परिजन के डर और शर्म की वजह से घर नहीं आ रही थी। बिना खाए पिए वह भटक रही थी। घर वालों ने पूछा तो उसने अपने साथ हुए घटना की जानकारी दी। उसके बाद सभी लोग सरस्वती नगर थाने पहुंचे और दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। सरस्वती नगर थाना प्रभारी अमित तिवारी ने बताया, यह घर से भागने का मामला है। 3 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आज लड़का लड़की दोनों मिल गए हैं। उन्हें थाने लाया गया है। दोनों का बयान लिया जा रहा है। बयान और मेडिकल के आधार पर अगर दुष्कर्म की बात सामने आती है तो धाराएं बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।